तो फाइनली जिसका इंतजार हमको काफी लंबे टाइम से था, वो फैमिली मैन सीजन टू फाइनली आ गया। और पूरी रात आंखों में सुरमा डालने के बाद में मैंने इस वेब सीरीज को देख के खत्म किया। और सच में फैमिली मैन सीजन टू देखने के बाद में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, मजा आ गया। नहीं वाकई में इंडियन सिनेमा के अंदर वेब सीरीज को लेकर के जो मोमेंटम चलता आ रहा है ना, वो बड़ा ही खराब चल रहा है। जहां पे एक सीजन के बाद में जो सेकंड सीजन है ना, वो हमेशा कचरा निकलता है। लेकिन फैमिली मैन का सीजन टू देखने के बाद में यकीन मानो आपको जो बिलीव है ना, वो डबल होने वाला है। क्योंकि इसका जो सीजन टू वो कमाल बबाल धमाल, ये तीनों चीजें आपको इसके सीजन टू में देखने को मिलने वाली है। पूरे के पूरे 9 एपिसोड आपको फैमिली मैन के सीजन टू में देखने को मिलने वाले हैं। और सच बता रहा हूं, इस बार इस फैमिली मैन सीजन टू के अंदर मनोज वाजपेयी को अगर किसी ने टक्कर दी है ना, वो समानता ने दी है। मतलब राजी का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, वो खतरनाक है। समानता का जब आप डेंजर लुक और उनकी जो डेंजर परफॉर्मेंस आप देखोगे, स्पेशली जो लास्ट का जो गन फाइट वाला सीन है, वो खतरनाक होने वाला है। और अगर बात करें बिहार के लाल गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान और फैमिली मैन सीजन 2 के श्रीकांत तिवारी की, मनोज वाजपेयी की, तो भैया इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की सीटें फाड़ दी है। फैमिली मैन सीजन 2 के स्टार्टिंग में जिस तरीके का श्रीकांत तिवारी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना भाई, उनकी प्रॉब्लम वही आदमी समझ सकता है जो उस कंडीशन में अटका हुआ है, जिसको फैमिली और करियर दोनों चीजों में से एक चीज के ऊपर कंटिन्यूटली फोकस रखना होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर श्रीकांत तिवारी की जो कंडीशन है, वो जब आप देखोगे ना, तो आपकी हालत खराब होने वाली है। इस तरीके से बंदा दोनों चीजों को बैलेंस रखता है और अपने काम को इतना ज्यादा पसंद करने के बाद में भी एक अच्छा बाप और एक बढ़िया हस्बैंड बनने की कोशिश में जिस तरीके से लगा रहता है ना, वो उसका जो स्ट्रगल आप देखोगे ना, तो आपका दिमाग खराब होने वाला है। और पूरे के पूरे सीजन 2 में जितनी बार भी आप मनोज वाजपेयी को स्क्रीन पे देखोगे, उनके मुंह से निकलने वाले हर एक डायलॉग के ऊपर आपको हंसी आने वाली है। भाई वो बंदा जब गाली भी देता है ना, तो ऐसे लगता है कि वो गाली नहीं है, वो एक अलग ही लैंग्वेज है जिसके अंदर आ ई उ हर मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल वेब सीरीज के अंदर आपको इंटेंसिटी के साथ में जो एक्शन सीक्वेंस और जो इमोशनल टच आपको देखने को मिलने वाला है ना, वो ऐसा आपको और किसी वेब सीरीज में देखने को नहीं मिलने वाला। स्पेशली अगर इसकी क्लाइमेक्स की बात करूं, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं फैमिली मैन सीजन 3 भी जल्द ही आने वाला है। क्लाइमेक्स के बाद में बहुत सारे अनसुलझे डाउट ऐसे हैं जो अभी समझने बाकी हैं, और उन सब चीजों को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक एक चीज के बारे में डिटेल से बात करूंगा। तब तक के लिए छोटे से रिव्यू से काम चला लो। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपने अगर फैमिली मैन सीजन 2 नहीं देखा है, तो जाकर के इसको देखो। सब्सक्रिप्शन नहीं है अमेज़न प्राइम का, तो जाकर के ले लो, इससे बढ़िया वेब सीरीज आपको देखने को नहीं मिलने वाली इंडियन सिनेमा के अंदर। अगर आपने भी दी फैमिली मैन सीजन 2 को रात में बैठ करके आंखों में सुरमा डाल करके देख के खत्म कर डाला, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। साथ में अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया, तो वीडियो का लाइक मार देना। चैनल पर कहीं से घूमते फिरते आ जाते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि जितने वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड। फाइनली सीजन 2 देखने के बाद में मन को ठंडक मिली, रिव्यू करने के बाद में दिल को ठंडक मिली, अब जाकर के नींद आने वाली है।